अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है फ्राइड राइस, जिसे बच्चे और बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाती है और घर में ही मौजूद चीज़ों से आसानी बना सकते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले मैंने नमक लिया है, आप हसबे जायका भी नमक ले सकते हैं। और चिकन मैंने थी बोनलेस, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। हाफ कप स्प्रिंग अनियन, एक कप गाजर उसको लंबा लंबा काट लिया। हाफ कप इसमें मटर जाएंगे, हाफ कप ही इसमें कैप्सिकम मैंने येलो और ग्रीन कलर की मिक्स करके ली है, उसको भी लंबा लंबा काट लिया। हाफ कप इसमें कॉर्न और 3 अंडे, 2 कप इसमें मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल लिए हैं। और फिर इसमें काली मिर्च है क्रश्ड 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और पानी इसमें हम ऐड करेंगे पहले चावलों को भिगोने के लिए और बाद में चावलों को बॉईल करने के लिए। सबसे पहले एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसके अंदर हमें 3 अंडे जो लिए थे उसको अच्छी तरह फेंट कर वो ऐड करेंगे और इसका एक ऑमलेट सा बना लेंगे। ये देखें, इसे ऑमलेट बना लेना हमने, इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना ऑमलेट को पलट कर। फिर इस ऑमलेट को निकाल के हम रख देंगे साइड पे। फिर हमने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया और इसके अंदर हमें जो चिकन ली थी वो हमने डाली और इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए और जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। फिर इसमें हमें तमाम सब्ज़ियाँ, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, कॉर्न और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, काली मिर्च इसमें भी ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और इसमें बिल्कुल 1 घूंट के बराबर हमने पानी डालना है ताकि जो मटर हैं और जो चिकन है वो गल जाए। दूसरी तरफ हमें एक पैन में पानी लेना है तकरीबन 2 जग और उसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस ऐड किया। जब इसको बॉईल आ गया तो उसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे और इसको इतना बॉईल करेंगे कि तकरीबन 1 कनी के बराबर इसको बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ हमने इसको अंडा जो ऑमलेट बनाया था उसको हमें तोड़ के छोटे छोटे पीस कर लिए। अब जब हमारे चावल बॉईल होंगे तो इसका पानी हम अलग कर लेंगे, ड्रेन कर लेंगे। फिर एक दूसरे पतीले में हमने ऑयल लिया, उसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स जो हमने और चिकन जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड किए। उसमें 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ऐड किया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। फिर इसमें उबले हुए चावलों की सारे जितने चावल थे वो ऐड कर दिए और उसके ऊपर हमने जो अंडा हमने फ्राई किया था ऑमलेट वो हमने ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह सारे चावल और सब्जियों को मिक्स कर देंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें आप अंडा और चिकन मत ऐड करें, सिंपल वेजिटेबल्स के साथ बना लें। फिर इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम दम पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे चावल कितने मज़ेदार और कितने खूबसूरत बने हैं, निखरे निखरे। अब आप इन चावलों को किसी भी डिश में निकाल लें और इसको चिकन मंचूरियन, चिकन चिली या फिर सूप के साथ सर्व करें। आप मेरी वीडियो ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।